उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गांव के ही पड़ोस में रहने वाले ने पड़ोसी पर अचानक से हमला कर किया घायल। युवक को इतना मारा गया कि घायल हुआ बेहोश। घर वालों को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे घर वाले। घायल 112 पर पीड़ित परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। दरअसल मामला कुरावली के ग्राम सराय लतीफ का है, जहां अमन पुत्र अखिलेश निवासी सराय लतीफ को ग्रामीण चेतना की अवस्था में कुरावली CSC पर लाए। माँ बाप का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आपको बताते चले कि मामला पुरानी रंजिश का है। पड़ोस में रह रहे राहुल पुत्र शोभरन से पुराने विवाद के चलते राहुल व उसके अन्य साथियों ने अमन को अकेला पाकर हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि डंडे व लाठियों से बुरी तरह मारा गया है। सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंचे तो अमन चेतना के अमरण अवस्था में मिला, जिसे ग्रामीणों की सहायता से तुरंत कुरावली CSC पर लाया गया। तो वही पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। आपका नाम क्या है? अखिलेश कुमार। कहाँ के रहने वाली? ग्राम सरावलती। ये आप अपने लड़के को लेके आए, क्या हुआ क्या है ये? मेरे लड़के को, लड़का मेरा भूसा लेने के लिए जा रहा था भैंस के लिए, अचानक राहुल ने जाके पीछे से आक्रमण किया, आक्रमण करके वो डंडे से मारा मार लग गया लड़के को, जान बच मारा मारा हुआ बच्चा बेहोश पड़ा नाली में, तो गांव वाले ने उठा के ले गया, गांव वाले यहाँ हॉस्पिटल ले गया, हम हॉस्पिटल पर आए। राहुल है कहाँ का रहने वाला? राहुल गांव भरती रहने वाला, सोलन की लड़का है। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में दिखा दिया है, FIR करी उसके खिलाफ? FIR करने के लिए पुलिस का फोन किया, पुलिस ने फोन रिसीव नहीं किया, 10 नंबर पर भी है, 112 भी है, 100 नंबर भी है, रिसीव नहीं किया किसी ने। वो समझे तब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी यहाँ पर बच्चे को लेके आ गए, गाँव वाले साथ में लेके पर समझे, तब मैं अभी आया हूँ, ये पोजिशन में लगे ये। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।